एक तरफ जहां देश में चैत्र नवरात्रि की धूम मची हुई है, वहीं अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंदौर जिले के बेडवा में पूर्व विधायक मनोज पटेल के नेतृत्व में श्री राम नवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें गैरल के कलाकार प्रस्तुति देंगे। श्री राम नवमी के पावन पर्व पर संस्था निर्भय द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मोत्सव पर सर्व हम हिंदू समाज की भव्य श्री राम रथ यात्रा 30 मार्च को शाम 5 बजे निकाली जाएगी। यात्रा निर्भय चौक से प्रारंभ होकर बेडमा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः निर्भय चौक पर आकर समाप्त होगी, जिसमें धर्म ध्वजा रथ में सुशोभित राम दरबार, ऊंट घोड़े बग्गी, भस्म रमैया मंडली उज्जैन द्वारा झांझ मजीरे डमरू के साथ नृत्य करती टोली निशा की चलित भजन प्रस्तुति दी जाएगी। पूर्व विधायक मनोज पटेल ने राम रथ यात्रा में अधिक से अधिक सपरिवार आमंत्रण हेतु अपील की है। बेटमा सभी को पहले तो नववर्ष की हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस रामनवमी पर दिनांक 30 तारीख को भी पिछली बार की तरह और उससे ज़्यादा अच्छी राम रथ यात्रा बेटमा में निकलने जा रही है। आपके कहे अनुसार बिल्कुल सही बात है कि भाजपा की अयोध्या है बेटमा और इस अयोध्या में भगवान राम का वास है, तो भगवान राम के रथ यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है जो पिछली बार से ज़्यादा भव्यता रहेगी। पिछली बार जो ढोल ताशे भस्म रमैया संगीतकार ये तो थे ही थे, इस बार और बढ़ चढ़ करके हमारी योजना है कि बाहर के गायक आएंगे, साउथ से कलाकार आएंगे, पुणे के ढोल रहेंगे, रंगोली लग यात्रा के मार्ग पर यात्रा के साथ ही आगे आगे त्वरित जो चलित रंगोली बनती है उस वो भी रहेगी। अनेक प्रकार के बलून के माध्यम से सबका स्वागत भी होगा। अनेक प्रकार से इस बार और अच्छी भव्यतम राम रथ यात्रा निकलने जा रही है बेटमा में। मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस राम रथ यात्रा को देखने के लिए ही जरूर पधारें, उसमें सम्मिलित होने कर होकर के भगवान राम की पूजा अर्चना तो करें ही, पर जो सभी से निवेदन है कि इसको भव्यता भी देखने जरूर आए। बेटमा से भूपेंद्र पंचोली की रिपोर्ट।